हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज़ का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2019 की यूपीएससी परीक्षा में 28वीं रैंक पाकर IAS बनने वाली चंद्रज्योति सिंह अभी महज 22 साल की ही हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता पाने के पीछे वो अपने पैशन और अपनी स्ट्रेटेजी को खास मानती हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी। चंद्रज्योति के माता पिता दोनों ही आर्मी में थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे माता पिता ने आर्मी में रहकर देश की सेवा की है। प्रशासनिक सेवा में आना भी देश की सेवा करने का एक बड़ा तरीका है। वो बताती हैं कि पेरेंट्स भारत के कई शहरों में रहे, इसलिए उनका बचपन अलग अलग शहरों में पढ़ाई करने में बीता। चंद्रज्योति को बचपन से ही क्विजिंग और डिबेट बहुत पसंद थी। वो अपने स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे रहती थी। जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने IAS बनने का ही सपना देखा, जिसमें उनके माता पिता ने पूरा सहयोग किया। उन्होंने साल 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में एक ग्रेजुएशन पूरा किया। 2018 में ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ही उनका IAS की तैयारी का सफ़र शुरू हुआ। वो कहती हैं कि पहले 5 महीने में ही मैंने सिलेबस ख़त्म किया था। उनकी स्ट्रेटजी की बात करें तो उन्होंने 2 भागों में तैयारी शुरू की। पहले भाग में GS और दूसरे भाग में ऑप्शंस की तैयारी की। इसके बाद रात में न्यूज़पेपर पढ़ने में 1 से 2 घंटा लगाती थी। फिर अक्टूबर के आसपास मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ के जरिए तैयारी पर जोर दिया। चंद्रज्योति ने अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी के जरिए की। वो कहती हैं कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी और रिसोर्स दोनों ही सिंपल और लिमिटेड रखा। हिस्ट्री उनका ऑप्शनल विषय था, इसलिए उन्होंने हिस्ट्री की तैयारी में काफ़ी जोर दिया। वो दिन के 6 से 8 घंटे तैयारी में लगी रहती थी। फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले 10 से 12 घंटे तैयारी में लगाया करती थी। अगर उनकी तैयारी की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन साइट्स और किताबों और ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा लिया। इसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू की। इसके बाद ही वो अपनी तैयारी के नोट्स बनाना कभी नहीं चूकती थी। फिर इन्हीं नोट्स को बार बार रिवीजन करके दोहराती थी। चंद्रज्योति मॉक टेस्ट को बहुत ज़रूरी मानती हैं। उनका कहना है कि आप इसके ज़रिए अपने दिमाग को एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं, साथ ही प्रेजेंस ऑफ माइंड भी डेवलप कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए उन्होंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए। वो कहती हैं कि मैंने कम से कम 50 मॉक टेस्ट दिए। इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी वो मॉक टेस्ट ज़रूरी मानती हैं। चंद्रज्योति ने पहले सभी परीक्षाओं की तैयारी की, लेकिन प्रीलिम्स से ठीक 2 महीने पहले उन्होंने सिर्फ इसी पर फोकस किया। फिर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। उन्होंने पढ़ाई से कभी खुद को ऊबने नहीं दिया, इसके लिए वो पर्सनल लाइफ में भी खुद को चार्ज रखती थी। चंद्रज्योति कहती हैं कि मैं 15 दिन में एक बार फुल डे खुद को पढ़ाई से अलग रखती थी। इस दिन दोस्तों के साथ फिल्म या कोई अपनी पसंदीदा फिक्शन पढ़कर बिताती थी। वो कहती हैं कि खुद को ब्रेक देना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपको तैयारी के दौरान काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है। आखिरी में वे कहती हैं कि मन लगाकर पढ़ाई करें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें और कभी भी डिप्रेस या डिसअपॉइंटेड ना हों। अगर आप तैयारी के दौरान ऐसा कर पाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।